अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, जैसा कि जो है आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी आप लोगों के लिए अनाउंस किया था कि कमिंग जो संडे आ रहा है, ठीक है, इसमें हमारा एक इवेंट है। भाई अफरा, इस तरह से आपने एक ही जो है कमेंट को बार बार नहीं करना, इससे ये होगा कि हमारा जो टीम मेंबर यहाँ मौजूद है वो आपको ब्लॉक करेगा, ठीक है। सो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आपको मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जो अपकमिंग संडे आ रहा है, ठीक है, इस संडे में हमारा एक कंपटीशन जो फाइनल कंपटीशन है, और वो कंपटीशन क्या है भी, आर्ट गैलरी का फाइनल कंपटीशन, जिसमें कि हमने देखा था कि हमारे जो है 10 कंटेस्टेंट जो है जिन्होंने अपने अपने राउंड के अंदर जो है अपनी टॉप 3 पोजिशंस में जो है अपना नाम बनाया था, ठीक है, अपना नाम वहाँ मैंशन करवाया था, इनके दरमियान अब जो है फाइनल कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है, इस अपकमिंग संडे को, ठीक है। और इसमें आपने ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, आप लाजमी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि आपके ही वोट्स के थ्रू ये लोग फाइनल में आए हैं और आपके ही वोट्स के थ्रू जो है इनमें से कोई एक विन करेगा। सो आप लोगों ने इस कंपटीशन को ज़रूर जो है देखना भी है, इसमें जो स्टूडेंट्स की जो है मेहनत है, ठीक है, इसको सराहना भी है, ठीक है, और आपने इसमें अपना वोट भी देना है। सर, ये आर्ट कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेते हैं, तो वो आप इस तरह से करते हैं कि आप लोग जो है अपना आर्ट मुझे सेंड करते हैं और वो मैं डिस्प्ले करता हूँ वोटिंग के थ्रू। जो है आप जो 10 लोग होते हैं उनमें से 3 लोग जो है नेक्स्ट जो है राउंड में क्वालिफाई करते हैं। सो इसके बाद हम जब दोबारा से स्टार्ट करेंगे उसमें आप जो है ज़रूर इन्वॉल्व हो जाइएगा, उसमें आप जो है ले सकते हैं अपनी जो है क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल लिफा, मैं इस लेक्चर के फ़ौरन बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफायर हैं यानी फाइनलिस्ट हैं, ठीक है, उनके जो है मतलब मैसेजेस को पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने आज की डेडलाइन दी थी कि आपने आज तक अपना जो स्केच है वो मुझे सेंड करना है फाइनल के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, हम जो है इस वक्त 9th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा चैप्टर नंबर 3 भी क्लोज हो जाएगा आज के दिन, ठीक है। वैसे तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हमने उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक को क्लियर कर दिया था, यानी समझा दिया था आपको, ठीक है। इसी वजह से मैं आज भी ब्रीफ करूंगा आप लोगों को, समहा प्रेडिक्टेबल में जो ट्रेंड है, ठीक है, वो बताऊंगा, और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट जो है चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। सेकेंड ईयर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हमजा, सेकेंड ईयर की क्लासेस जो है मिड ऑफ जून यानी 15 जून से हमने स्केड्यूल की हुई है, इंशाल्लाह तब जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमने कल इसको डिफाइन भी किया था, मैंने आप लोगों के लिए के पास जो है आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन मेंशन भी की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक एबिलिटी है एक एटम की जो कि किसी एक दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन उसने की हुई होती है म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। हम कहते हैं इस म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बना हुआ है जो दो एटम के दरमियान, इसमें सिंगल एटम की वो खास एबिलिटी, वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्ट्रॉन्स को जो शेप इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचता है, इसको हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल प्रोवाइड की थी इस चीज की, जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि इन दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखो ये क्लोरीन डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो है ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है चूंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, सो हम कहते हैं इनके पास अलहदा अपनी जो है बेस पर ही हम कहते हैं इनके पास अपनी अपनी सलाहियत है कि जिसकी बेस पर ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये सलाहियत जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हम कहते हैं इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो ये जो पार्शियल चार्जेस की डेवलपमेंट है ये किस बुनियाद पर होती है कि एक एटम ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत चूंकि कम है तो इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हम ट्रेंड देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड क्या है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनसाइड द पीरियोडिक टेबल उनमें वेरिएशन कैसे आती है किसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। हम कहते हैं देखो मैं आपको बता दूं, ग्रुप की पहले बात कर लेते हैं
जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम जानते हैं, हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। अच्छा नहीं नहीं भाई, मेरी एनर्जी पूरी है। अच्छा सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपको पता है इस बात का क्योंकि आपने ना इवन के पिछले तीन टॉपिक्स में यही बात पढ़ी है। हम जब प्रेडिक्टेबल की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो हैं इनके एटॉमिक मैसेज का जो है एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एन एग्जाम्पल आप लोगों को उसने भी दी थी, लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रबीडियम की और सीजियम की। हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे आएंगे इनका जो साइज है एटॉमिक साइज, ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज से करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ वजूद होती हैं। तो हम कहते हैं जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है। तो हम लिखते हैं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है वैसे वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आना शुरू हो जाती है। यही बात मैंने यहां पर भी बताई। इस हवाले से आपने मुझसे यहां तक कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं कोई क्वेश्चन तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाऊं किसमें पीरियड के अंदर और पीरियड में जो इसका ट्रेंड है वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूं। जल्दी से क्वेश्चन अगर आपने पूछना आप पूछेंगे तो आगे चलना है हमने। वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं साइज को भी ना समझाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से देखो फातिमा, मैंने आपसे कहा था ना फातिमा कि ये बच्ची जो है ये जिनका जो पहला कमेंट होता है वो उसे फिर से रिपीट अगेन का होता है, रिपीट इट अगेन का। चलें जी इनके लिए दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हर दिन जो है पहला कमेंट ही रिपीट इट अगेन कहती हैं, तो चलो कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कल आपके लिए डिफाइन की थी, हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेपर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्सेल्फ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक हो गया, फिर मैंने आपसे जो इस पर दूसरी बात आपको समझाई जो मैंने आपको कंप्लीट मतलब जो है क्लेरिफाई करवाई, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रुप जो है के अलॉन्ग क्या होता है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ग्रुप के अलॉन्ग हम देखते हैं एटॉमिक जो ऊपर से नीचे हम आते हैं तो हर एक एलिमेंट का साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। लिथियम में दो ऑर्बिटल हैं, सोडियम में तीन हैं, पोटाशियम में चार हैं, रबीडियम में पांच हैं, सीजियम में छह होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक हो क्या, अब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की इंक्रीजमेंट की, हम इसको रिलेट करते हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा हमारे पास स्मॉलर साइज ऑफ द एलिमेंट होगा उतना ही हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो चूंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, वो भी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमने कहा था ये इनवर्सली रिलेटेड एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमने ग्रुप की बात कर ली है, अब हम चलेंगे टुवर्ड्स पीरियड और उसके बाद से बात करेंगे। सर प्लीज़ अब नोट्स अपलोड कर दें, कर देते हैं अभी। ठीक है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज नहीं होगी तो उसके साइज में इंक्रीज नहीं होगा, अभी समझ नहीं आई क्वेश्चन क्या पूछा आपने, क्वेश्चन स्किप भी हो गया है।
वो आपको बता देंगे ना जब आप स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर पे, बता देंगे सर आपने नोट्स अपलोड नहीं किए, वो करते हैं भी कर देंगे, बेफिक्र रहे हैं, उस वाले से मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीरियड्स को। पीरियड्स की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली कल ये टॉपिक डिफाइन कर लिया था ना। पीरियड्स की हम बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है, और इसके अलॉन्ग हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या वेरिएशन आएगी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीरियडिक टेबल जो है, ठीक है, इसमें जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं एलिमेंट्स की, इनको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हमें देखना है। आप पहले भी ये बात जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं पीरियडिक टेबल की तो अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक हो गया। तो यही बात मेंशन करेंगे, चूंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनसाइड द पीरियडिक टेबल इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज along the period due to increase in atomic size, decrease in atomic size. ठीक है, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये हमारे पास पीरियड के अलॉन्ग है, ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट यानी जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो चुका है, और जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम फिर चलेंगे, मैं आप लोगों को ले जाऊँगा टूवर्ड्स द समहाउ एक्सरसाइज डिस्कशन, और फिर हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी 55 पेज के ऊपर आपके लिए जो है टेबल मौजूद हैं दो, ठीक है, अगर आप टेबल पर ज़रा गौर कर लें। एक तो आपको पीरियड के मतलब बताया गया है कि जैसे लीथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। इनमें देखें कि जैसे जैसे आप पीरियड के लॉन्ग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और दूसरा टेबल दिखा हुआ है ग्रुप के हवाले से कि जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयरीन है, डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है कंजेक्टिवली तौर पर। तो ये टेबल आपको इस बारे में शो करते हैं, व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, साइज छोटा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की पुल इलेक्ट्रॉन पे और बढ़ेगी और ज्यादा अप्लाई होगी, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सेकंड चैप्टर के जो है एक्सरसाइज की अब बात कर रही हैं, तो साइज का हमने डिस्कशन कर ली थी, लेकिन उसके शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स में जरूर अपलोड कर दूंगा। जी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, टेबल याद नहीं करना आपने, उसमें कोई पॉइंट आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको उसे पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसके अलॉन्ग हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, किस के अलॉन्ग हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। रिपीट हल्का फुल्का फिर से कर देता हूँ। देखो मैंने पीरियड के लॉन्ग बात की आपसे, जब आप पीरियडिक टेबल की बात करते हो तो हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट इनसाइड द पीरियडिक टेबल जाते हुए पीरियड के लॉन्ग जाते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। चूंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एलिमेंट्स की वो बढ़ेगी, हमने ये मेंशन किया था, और बाकी टेबल मैंने आपको बताए थे कि टेबल में आपको कंपैरिजन मिल रहा है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से कि पीरियड के अलॉन्ग किस तरह से इफेक्ट होती है और ग्रुप के अलॉन्ग किस तरीके से वो इफेक्ट होगी। रिपीट कर दिया ईमान, तो अब जो है आप लोगों को मैं समझाऊंगा ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके एमसीक्यूज थोड़े बहुत एलेबोरेट कर देता हूँ
और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आप लोग निकालेंगे, इसको हम जो है टिक कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं उसके राइट ऑप्शंस को और फिर हम आगे मूव करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर एमसीक्यू है, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। सर जब हम आंसर लिखते हैं तो टेबल बनाएंगे, नहीं एग्जैक्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है सर। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट जो है डिफरेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जब हम सेकंड टाइम इसको रिपीट करेंगे फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर टेबल याद करना एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है सर, जो पूरे चैप्टर में याद करने को है भाई सारा कुछ याद करने को होता है, कौन सा कुछ कोई छोड़ने का होता है। हाँ ये ज़रूर है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिलवत आप जो है इसको याद रखेंगे ठीक है। मतलब इसको आप फिलवत इसको मार्क मत करेंगे, क्योंकि जब आप मार्क की तरफ जाते हैं तो आप सेलेक्टिव जो है टॉपिक को ही पढ़ते हैं, बाकी को नहीं पढ़ रहे होते ठीक है। इस वक्त हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं और इस वक्त एक्सक्यूज मी सर यू कैन प्लीज टेल मी विच एलिमेंट हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक हो गया। और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन फर्स्ट ग्रुप की जो मैंने बात यहाँ पर लिखी भी थी यहाँ पर ना, जैसे कि सीजियम हमने देखा था ठीक है, उसकी उसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे समहाउ लोएस्ट होती है ठीक है। अच्छा द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ठीक है, डू नॉट चेंज, तो ये बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या करता है, यानी उसके उस सवाल से आपने जो है मेंशन करना था कि वो किस तरीके से वेरी करता है। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर और उसका राइट ऑप्शन जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ठीक है, ये बी बनता है इसका ठीक है, बी ऑप्शन इसकी जो है राइट ऑप्शन बनेगा। सर आंसर माय क्वेश्चन क्या, अभी हंजला क्वेश्चन पूछेंगे तो बताऊंगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम ठीक है, इज कॉल्ड, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हमने पढ़ा भी था इसको, सो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सेकेंड का डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट ऑप्शन कहलाएगा ठीक है, सेकेंड का डी ऑप्शन हमारे पास क्या होता है राइट ऑप्शन कहलाएगा ठीक हो गया। इस तरीके से थर्ड हमारे पास है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस करता है, किस बेस पे जो है हमने उसको अरेंज किया था, एटॉमिक मास बेसिक तौर पे है, मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास जो है कौन दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू की बुनियाद पर लेक्चर जो था वो स्टॉप हो गया था, स्टक कर गया था, और हम वापस से दोबारा आ चुके हैं आपके पास। देखो बेसिक तौर पे हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज़ को, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, कुछ जो है नेट प्रॉब्लम था जिसकी बुनियाद पर हम आपसे डिस्कनेक्ट हुए, और अब दोबारा से जो है हम आ चुके हैं। मेरे ख्याल से वीडियो भी आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रही होगी, और इसके अलावा जो है मेरी ऑडियो भी आप तक पहुँच रही होगी, क्लियर है बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा इस वक्त हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, हम उन्हीं एमसीक्यूज़ को आगे फर्दर लेकर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर फोर समझा दें, तो एमसीक्यू नंबर फोर की स्टेटमेंट है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो किस बेस पर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जो है कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर की बेस पर, यानी एटॉमिक नंबर की इंक्रीजमेंट की बेस पर हमने क्या किया था, हमने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एस, तो इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे हमारे पास वो कितने थे, हमने देखा था पहले में दो थे, दूसरे और तीसरे में आठ, चौथे और पांचवे के अंदर हमने कहा था 18, तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, सो इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है वो क्या है, इसकी राइट ऑप्शन बनती है सी ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन की राइट ऑप्शन क्या बनेगी, सी ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ के बाद, सिक्स्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आयोडीन होगा ठीक है, आयोडीन यानी डी हमारे पास ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन बनेगा,
सिक्स्थ एमसीक्यू का राइट ऑप्शन डी है, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन, हम कहते हैं डी हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेवेंथ है, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर सेवेंथ का ए ऑप्शन। हमने ये तमाम बातें पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, पीरियडिक टेबल में कोई एक प्रॉपर्टी डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करती है, ठीक है। इस तरीके से एट वन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ये ऑल एलिमेंट्स यानी ऑल मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसकी राइट बनेगी। एट क्वेश्चन जो है इसकी ऑप्शन बी जो है वो राइट है, यानी बी ऑप्शन हम कहते हैं वो ठीक होगी, मेटल्स होते हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें हम कहते हैं सी ऑप्शन, इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने इंक्रीज करती है, वैसे तो आप पीरियड के लॉन्ग हम कहते हैं इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन यहां मेंशन किया हुआ है कि डिक्रीज करती है, सो ये इनकरेक्ट होगा। सो नाइन्थ की जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास नाइन्थ का जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। इस तरीके से लास्ट वन एमसीक्यू जो है हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो ये भी हम कहते हैं कि डिक्रीज नहीं होती अलॉन्ग द पीरियड, ये इंक्रीज ही करती है, सो इसका भी सी ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा। तो टेंथ का भी हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन आपने मुझसे शेयर करनी हो तो आप जरूर मुझसे करेंगे इन तमाम MCQs के हवाले से, मैंने आप लोगों को इनके तमाम राइट ऑप्शंस, पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं और दे दिए हैं, ठीक है। इस हवाले से आपने कोई फर्दर डिस्कशन करनी हो तो ज़रूर करिएगा। जी क्वेश्चन पूछें हमारा, ठीक है भाई, आप लोग आपस में झगड़े मत, ठीक है, हम देख लेते हैं कि कौन टीज कर रहा है, सो उसको हम कर देंगे ब्लॉक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो हंजला इसी बात का पहले भी आंसर दे चुका हूं, एक ही बात को बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखो हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या, सॉरी इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। सर एट्रैक्ट आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, जी एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछ सकते हैं, आपने कुछ पूछना हो, क्लेरिफाई करना हो कि कोई ऑप्शन राइट क्यों था, कोई ऑप्शन रॉन्ग क्यों था, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 हैं, हम हाफ वे पे चले गए अब बुक की। सर एट्रैक्ट सिर्फ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करते हैं, एग्जैक्टली देखो हम असनैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट में ही ये बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर प्लीज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ईजी डेफिनेशन बता दें, द अबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन और कौन सी हो सकती है, नहीं आज कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों का। सर वेयर टू फाइंड योर पोस्ट, तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरी पोस्ट देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए की है। इस वक्त आपकी जो वीडियो दिख रही है इसके राइट साइड के ऊपर मेरा नेम, मेरी जो है ऊपर पिक्चर मौजूद है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे और वहां से आप लोगों को जो है मेरी जो भी पोस्ट मैंने की हुई हैं सारी आपको मिल जाएंगी। और परसों यानी संडे वाले दिन हमने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संडे वाले दिन जो है हमारा फाइनल कंपटीशन है आर्ट गैलरी कंपटीशन का, ठीक है, तो उसमें ज़रूर आप लोगों ने जो है पार्टिसिपेट करना है, अपनी प्रेजेंस को शो करना है। ये आफ्टरनून यानी 2 o'clock या 3 o'clock हम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पे हम जो है कि फाइनल कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर जो है इसको मतलब इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, और ज़रूर इसमें अपनी जो है प्रेजेंस को शो करना है। हमारे बुक पर 10 का डी ऑप्शन लगा हुआ है भाई, क्यों कश्यप, आप स्टेटमेंट जरा मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं कि उसका राइट ऑप्शन डी क्यों नहीं बन सकता। स्टेटमेंट थी पॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम कहते हैं जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज नहीं करती, वो इंक्रीज करती है,
ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। सो सी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में भी आप याद रखिएगा, और इसके अलावा लेक्चर को रेट कीजिएगा, लेक्चर के बारे से कोई फीडबैक हो जरूर राइट कीजिएगा। अब आपसे जो है कल मुलाकात करेंगे, चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे अपना और इसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।